काफ़ी रहस्यमयी इसको बताया जाता है और थोड़ी सी डरावनी भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, तो लोग यहाँ आने से कतराते हैं और भीतर जाने से भी डरते हैं। तो आज हम आ गए हैं धौलपुर के ताजमहल में। आप सोच रहे होंगे कि भला धौलपुर में भी कोई ताजमहल है क्या, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में धौलपुर में भी एक ऐसी इमारत मौजूद है जिसको हम धौलपुर का ताजमहल कह सकते हैं। और उसका कारण भी ये है कि इस पूरी इमारत को बनाने वाले जो राजा थे, धौलपुर के महाराज, वो ताजमहल से ही इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने इस इमारत को बनाया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ताजमहल है वो प्यार की निशानी है, शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए उसको ताजमहल को बनवाया था, इसी तरह से ये जो इमारत है ये भी धौलपुर का ताजमहल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये धौलपुर के महाराज, जिनकी कहानी पूरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, उनके प्यार की निशानी है। और ये बेहद खूबसूरत इमारत है जिसको आज के वीडियो में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे और इसकी जो खूबसूरती है उसको निहारेंगे और इसकी पूरी बनावट और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की इमारतों में अलग ही कशिश है। जो महाराज थे धौलपुर के, वो ताजमहल से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने इस पूरे इमारत के दीवारों पर ताजमहल की जो प्रतिलिपियां हैं वो बनवाई हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो मात्र एक जगह पे है, बाकी पूरी की पूरी जो इमारत है उसका मुख्य चबूतरा और इसकी ये बाहरी जो भी दीवारें हैं उन सभी पर इस तरह के ताजमहल की ये आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ताजमहल की भांति ही इस इमारत के चारों तरफ भी चार भव्य मीनारें बनाई गई हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं। ये एक मीनार है जो कि एक कोने पर स्थित है, बाकी चारों कोनों पर इस तरह की चार मीनारें बनाई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ड्रोन फुटेज, जिसमें आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे इन चारों मीनारों को और इस खूबसूरत इमारत के व्यू को। चलिए अब चलते हैं इस इमारत के भीतर, और मैं खुद भी पहली बार इस इमारत के अंदर जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि इसके भीतर क्या है। काफ़ी रहस्यमयी इसको बताया जाता है और थोड़ी सी डरावनी भी है, क्योंकि यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, तो लोग यहां आने से कतराते हैं और भीतर जाने से भी डरते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चल रहे हैं अंदर और देखेंगे इसके भीतर की बनावट किस तरह की है, कितना भव्य इस महल को बनाया गया है। ये मुख्य द्वार के बगल में इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे भी बनाए गए हैं दोनों तरफ, और पूरी इमारत के चारों तरफ इस तरह के विशाल दरवाजे बने हुए हैं, और बगल में इस तरह के छोटे छोटे दो दो दरवाजे बने हुए हैं। तो अंदर प्रवेश करने के बाद हमें अजीब तरह की गंध महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है और चमगादड़ों का वास है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर एक ये अंधेरी कोठरी है जिसमें चमगादड़ों की बीट पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और अभी चमगादड़ों की आवाज़ भी आ रही है जो हम स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं। है? तो जो बनावट है वो काफ़ी भव्य है और इसके बीचों बीच में ये एक छत जैसा बना हुआ है। अरे वाह, देखिए कितनी विशाल गर्डर लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी, बहुत ही बड़े आकार की गर्डर हैं, और उसके नीचे जो मुख्य महल है वो बनाया गया है, और शायद इसके भीतर ही जो रानी थी जिसकी याद में इसको बनवाया गया था, वो अभी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा।
शायद उसकी जो कब्र है वो भी इसके नीचे ही बनवाई गई है। हालांकि नीचे का जो भी पोर्शन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, जो तहखाना है वो पूरी तरह से लॉक कर दिया है सुरक्षा कारणों की वजह से, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको हम यहीं से दिखा देते हैं कि नीचे की जो बनावट है वो भी काफ़ी भव्य है, काफ़ी खूबसूरत है। ১৮৩৬ में धौलपुर की राजगद्दी पर राजा भगवंत सिंह बैठे और उनके राजदरबार में एक कर्मचारी थे, या कहें कि एक राजदरबारी थे, जिनका नाम मोहम्मद सैयद था। और मोहम्मद सैयद की एक बेटी थी जिसका नाम था गजरा। गजरा बहुत अच्छी नर्तकी थी, साथ ही साथ वो बेहद खूबसूरत भी थी। तो पहली बार राजा भगवंत सिंह ने गजरा को अपने राजदरबार में देखा था जबकि वो मुजरा कर रही थी। उस वक्त राजा भगवंत सिंह उससे बहुत प्रभावित हुए और गजरा की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे और उनको जो गजरा थी उससे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। आगे चल के राजा ने गजरा से शादी कर ली और गजरा खूबसूरत होने के साथ साथ ही जो राजनीतिक जो पकड़ थी गजरा की बहुत अच्छी थी। तो जो गजरा थी उसका हस्तक्षेप भी जो राजनीतिक चीज़ें हैं उनमें बढ़ने लगा, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए और उनके जो प्यार था वो और ज़्यादा परवान चढ़ने लगा। तो गजरा के लिए ही उन्होंने इस प्यार की निशानी को बनवाया था और यही कारण है कि इसको धौलपुर का ताजमहल भी कहते हैं, या फिर इसको गजरा का ताजमहल भी कहते हैं। इस इमारत को बनाने की नींव 1855 में रखी गई, लेकिन 1859 में यानी कि नींव रखने के 4 साल बाद ही गजरा का इंतकाल हो गया, और यही कारण है कि ये जो इमारत है इसको अधूरा ताजमहल भी कहते हैं। ये है इस इमारत के नीचे का भाग, जिसको हम इस इमारत का तहखाना कह सकते हैं। और शायद गजरा के इंतकाल के बाद उनकी जो कब्र थी वो भी यहाँ इस केंद्र में बनाई गई है। और देखिए, अगर यदि आपको दिखाई दे तो कुछ यहाँ पर इस जगह पर वो स्थान दिखाई दे रहा है। तो ये था धौलपुर का ताजमहल। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा।